प्यार मोहब्बत वाला तुम
तुमने हर अफसाना तोड़ दिया, पर तुमसे नहीं टूटेगा मेरा भारत। कैसे तोड़ोगे छत तोड़ोगे, लेकिन मेरी हिम्मत कैसे तोड़ोगे। मेरे हिंदुस्तान से मेरी निस्बत कैसे तोड़ोगे, निस्बत कैसे तोड़ोगे। कि एक तरफ मगरूर हुकूमत के जालिम बुलडोजर है, मध्य प्रदेश वालों, भोपाल वालों, एक तरफ मगरूर हुकूमत के जालिम बुलडोजर है, एक तरफ कुछ मजलूमों के सहमे सहमे छप्पर है। पर जालिम कहने की जुर्रत कैसे तोड़ोगे। छत तोड़ोगे लेकिन मेरी हिम्मत कैसे तोड़ोगे। मेरे हिंदुस्तान से मेरी निस्बत कैसे तोड़ोगे, निस्बत कैसे तोड़ोगे। मैं चल रहा हूं कन्याकुमारी से राहुल गांधी जी के साथ। आप अंदाजा लगाइए भोपाल वालों की, एक शख्स हर दिन 25 किलोमीटर पैदल चल रहा है, ये कहते हुए कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। मैं कल बैठा था एक डिबेट में भाजपा के एक बड़े प्रवक्ता के, टूटा कहां है भारत जो जोड़ने की जरूरत है। किसी का भी प्रोग्राम होता तो मैं नहीं आ पाता, लेकिन आरिफ मसूद साहब की आवाज में वो जादू है और इनके बुलावे में वो ताकत है कि इन्होंने दो दिन पहले मुझसे कहा कि आना ही पड़ेगा, तो आज सुबह फ्लाइट पकड़ने से मैंने इनको पहले फिर फोन किया, मैंने कहा आना जरूरी है, तो इन्होंने कहा बिल्कुल आना जरूरी है। मैं चुपचाप जैसी हालत में था वैसे ही एयरपोर्ट आया और सीधे आ गया। अभी निकलूंगा और सुबह 10:30 बजे पार्लियामेंट पहुंचूंगा और कल कुछ अहम मुद्दे हैं जिनको उठाना है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं मेरे भाई कि हम सब बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं, बहुत बड़ा मिशन लेके निकले हैं। आप नहीं समझ पाएंगे कि कितने खतरनाक मंसूबे हैं। कहा गया है, सुना गया है, कोई न बोले, ज़बां दराज़ों को मशवरा है, कोई न बोले। अजीब लुकनत पसंद हाकिम से वास्ता है, जो चाहता है जो सोचता है कोई न बोले। हम संसद में खड़े होते हैं बोलने के लिए, राहुल जी कहते हैं ना कि वहां माइक बंद कर दिया जाता है, सड़क पर बोलने की कोशिश करोगे तो यहां पे आवाज बंद कर दी जाएगी। ऐसे वक्त में लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है। ये जो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इस देश को संविधान दिया है उसको बचाने की लड़ाई है। भोपाल वालों याद रखना मेरी एक बात को, याद रखना कि एक 34-35 साल का नौजवान आपके बीच में आया था और एक बात कह करके गया था। इस मुल्क में लड़ाई दो तरह की विचारधाराओं की है, एक तरफ वो लोग खड़े हैं जो चाहते हैं कि मुल्क उनकी मर्जी से चलेगा, जो ये सोचते हैं कि मुल्क तानाशाही से चलेगा जैसे वो चाहते हैं वैसे चलेगा, लेकिन एक तरफ वो लोग खड़े हैं जो कहते हैं कि ये देश डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान से चलेगा, जो ये कहते हैं कि ये देश महात्मा गांधी के विचारों से चलेगा, जो ये कहते हैं कि ये देश पंडित जवाहरलाल नेहरू के उसूलों से चलेगा, जो ये कहते हैं कि ये देश मौलाना आजाद के ख्वाबों से चलेगा। आपको तय करना है कि आप किस तरफ खड़े। हम जानते हैं कि आप उस तरफ खड़े हैं जहां डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान खड़ा है, जहां लोकतंत्र खड़ा है, जहां इस देश के तमाम जंगे आजादी के सिपाहियों का लहू खड़ा है। मुझे पता है आप वहां खड़े हैं, तो आप ये जान लीजिए कि आरिफ मसूद भी उसी जमात में खड़े हैं, सुरेश पचौरी जी भी उसी जमात में खड़े हैं और इमरान प्रताप गढ़ी भी उसी तरफ खड़ा है। और हम इस देश में संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए हर वो कुर्बानी देंगे। हमारे लहू का आखिरी कतरा भी अगर इस देश के संविधान को बचाने में लगेगा तो हम पीछे नहीं हटेंगे, ये हम आपसे वादा कर रहे हैं भोपाल वालों। और ये लड़ाई आपको भी इसी तरह से लड़नी पड़ेगी, क्योंकि इनके मंसूबे बहुत खतरनाक हैं, इनकी साजिशें बहुत खतरनाक हैं। हम समझ रहे हैं
हम ऐवान में पहुंच गए हैं तो हम देख रहे हैं, हम जान रहे हैं कि वो कैसे कैसे बिल लेकर के आ रहे हैं, कैसे कैसे कानून बनाना चाहते हैं। यहाँ जो ये छोटे छोटे फुटकर लोग घूम रहे हैं, उन्हें तो पता भी नहीं है कि साजिशें कितनी बड़ी हैं। एक बात याद रखना कि जब जंगल में आग लगती है तो न तो वो बरगद बचते हैं जो हवा को आंधी में तब्दील करते हैं, और न वो बांस बचते हैं जिनकी आपसी रगड़ से चिंगारी पैदा होती है। याद रखना, यहाँ दानिश्वर लोग खड़े हैं, यहाँ समझदार लोग खड़े हैं, पढ़े लिखे लोग खड़े हैं। मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि जब जंगल में आग लगती है तो न तो वो बरगद बचते हैं जो हवा को आंधी में तब्दील करते हैं, और न वो बांस बचते हैं जिनकी आपसी रगड़ से चिंगारी पैदा होती है। इसलिए ऐसे जो भी लोग हैं, मैं उनसे बतौर मोहब्बत ये कहना चाहता हूं कि मैं देख के आया हूं गुजरात में, मैं देख के आया हूं बाकी सूबों में किस तरह की साजिशें, किस तरह की प्लानिंग होती है। एक विधायक हुआ करता है अहमदाबाद में, विधायक थे हमारे भाई, 3 बार से विधायक थे, गयासुद्दीन शेख, गए वहां पर कुछ लोग, अपनी कयादत का नारा बुलंद किया और 15 साल के विधायक को 4,000-5,000 वोट से हरा करके वापस लौट गए, 2,000 वोट से। ये हो रहा है और इस साजिश से आपको महफूज रहना है भोपाल वालों। मैं बहुत मोहब्बत से आपसे ये बात कह रहा हूं। मैं एक आध नज्म आपको सुनाता हूं। अच्छा, 2-3 सुनाना पड़ेगा। अरे भाई, पूरी तरह नेता हो गए, इन्हें पता चल गया है कि पकड़ में आ गया है, तो आज इसको जितना इससे काम लेना है काम ले लिया जाए। लेकिन ये मेरे भाई हैं और इनकी मोहब्बत है तो हम उसे टाल भी नहीं सकते हैं। झील में पानी बरसता है हमारे देश में, खेत पानी को तरसता है हमारे देश में, जिंदगी का हाल खस्ता है हमारे देश में, दूध महंगा खून सस्ता है हमारे देश में। मैं खड़ा हूं, याद करिए वो नारा, एक नारा आया था ना कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, किसका नारा था पता है ना? मेरे हाथ में सौंप दीजिए तिजोरी की चाबी, मैं देश नहीं लूटने दूंगा, चौकीदार बनकर के आपकी सेवा करूंगा। याद है भाइयों में ना? याद है? आज हालात जहां खड़े हैं, अब इमरान बोल रहा है कि कहां सोया है चौकीदार। ऐसा काम नहीं चलेगा। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है वो पुराना वाला भोपाल नजर नहीं आ रहा है, जो बिल्कुल एक एक मिसरे पे उछल पड़ता था, जो इधर लोग खड़े हैं, जो बिल्कुल हाथ बांध के खड़े हैं, जो छतों पर हैं, जो उधर पीछे खड़े हैं, मैं सबको शामिल करता हूं कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। गैस सिलेंडर की कीमत भी 1,000 के पार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। मैं शायर हूं तो मुझे थोड़ी सी छूट है, तो मैं कह ले रहा हूं कि चाय बेचने वाला भाई, ये तो हुआ है भोपाल की जो नई नस्ल है वो अलग तरह से समझदार हो गई है भाई। मैं भोपाल का लड़का गया इंटरव्यू देने के लिए, तो सामने बैठे हुए टीचर ने उससे कहा, ये बताओ तुम जंगल में जा रहे हो, सामने शेर आ गया तो क्या करोगे? तो लड़के ने कहा पेड़ पे चढ़ जाऊंगा। तो टीचर भी बदमाश था, उसने कहा ये बताओ अगर तुम नदी पार कर रहे हो, वहां शेर आ गया तो क्या करोगे? तो लड़का भोपाल का था, उसने कहा कि पेड़ पे चढ़ जाऊंगा। तो टीचर ने कहा यार कमाल है, तुम हर जगह पेड़ ला दे रहे हो। तो उसने कहा अच्छा, आप भी तो हर जगह शेर ला दे रहे हो। तो ये है भोपाल, ये है इसका जज्बा कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। पहुंचाइएगा इन मित्रों को दिल्ली तक कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। एक हवाई जहाज वाले मंत्री बने,
मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं आप जान जाएंगे कि आप ही के वहां वाले हैं जो इधर से उधर हुए। और आरिफ मसूद भाई आप कह रहे थे लोकतंत्र के लुटेरे और कुछ लोग चले गए। देखो यार आरिफ भाई ये लड़ाई बहुत बड़ी है, पचौरी जी आपका तजुर्बा भी ये जानता है कि ये लड़ाई इस वक्त बहुत बड़ी है। एक तरफ एजेंसियां हैं, ईडी है, सीबीआई है, डर है, और एक तरफ ये है कि आप हक के साथ खड़े हैं या नहीं। ऐसे में बचेगा तो वही, खड़ा तो वही रहेगा जिसमें दम होगा। मैं तो ये कह रहा हूं कि कांटे गुल के साथ नहीं चल सकते हैं। मुझसे लोग पूछते हैं कि मध्य प्रदेश में फलाने चले गए, गुजरात में ढकाने चले गए, तब मैं उनसे कहता हूं जाने दो, कांटे गुल के साथ नहीं चल सकते हैं, बुजदिल खुल के साथ नहीं चल सकते हैं। और अब जो आपकी तालियों का शोर है उसे दिल करे तो दिल्ली तक पहुंचा देना कि कांटे गुल के साथ नहीं चल सकते हैं, बुजदिल खुल के साथ नहीं चल सकते हैं। अरे रस्ते में जो छोड़ गया उसे जाने दो, सब राहुल के साथ नहीं चल सकते हैं। ये बड़ी लड़ाई है और इस बड़ी लड़ाई में वही खड़ा होगा जो ईमानदार होगा, जिसका जज्बा सच्चा होगा, जिसे इस वतन से मोहब्बत होगा, जिसे संविधान से मोहब्बत है, जिसे लोकतंत्र से मोहब्बत है। तब मैं पढ़ता हूं कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। एक साहब ने कहा इमरान भाई आप शायर हैं, आप नाम भी नहीं लेते हो और बात भी कह देते हो। मैंने कहा चलो मैं अभी एक नाम लूंगा, आपको बहुत मजा आएगा। अब मैं वो नाम लेने चल रहा हूं, आप देखना कि बिना नाम लिए कितना मजा आया और जब मैंने नाम लिया तो कितना मजा आया। कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा, रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा, सब कुछ बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा। कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार, गैस सिलेंडर की कीमत भी 1000 के पार, पेट्रोल और डीजल भी देखो रहा सैकड़ा मार। कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। मैं लाल किला हूं कि मेरे बनाने वाले से नफरत भी है उनको, और मेरी दीवारों से मोहब्बत भी है उनको। मैं तारीख की शहर में खड़ा हूं, वहां उस दीवारों पे खड़े होकर भाषण भी देना है लेकिन सियासत भी करनी है। तब इमरान बोल रहा है कि मेरे बनाने वाले से नफरत भी है उनको, और मेरी दीवारों से मोहब्बत भी है उनको। भारत की सिपाही है मेरी लाल दीवारें, सदियों की गवाही है मेरी लाल दीवारें। भारत की सिपाही है मेरी लाल दीवारें, सदियों की गवाही है मेरी लाल दीवारें। देखा गया एक ख्वाब हूं मैं शाहजहां का, देखा गया एक ख्वाब हूं मैं शाहजहां का, तामीर कामयाब हूं मैं शाहजहां का। तारीख के पन्नों का मैं शिकवा हूं, गिला हूं,
मैं लाल किला हूँ, मैं लाल किला हूँ। हिंदुस्तान में तुझे तोहफे में मिला हूँ, मैं लाल किला हूँ, मैं लाल किला हूँ। अब बंद सुनना कि नेहरू के ख्यालों का निगहबान रहा हूँ, मैं लाल बहादुर का भी अरमान रहा हूँ। नेहरू के ख्यालों का निगहबान रहा हूँ, मैं लाल बहादुर का भी अरमान रहा हूँ। राजीव अटल सबके हूँ अल्फाज समेटे, रघुवर मिश्रा है वो छू जाए तो मुझे बताना के राजीव अटल सबके हूँ अल्फाज समेटे, खामोश समन मोहनी अंदाज समेटे। मैं इंदिरा के जज्बे सा फौलाद रहूंगा, अब तैयार है ना भोपाल वालों। मैं इंदिरा के जज्बे सा फौलाद रहूंगा, आबाद था आबाद हूँ आबाद रहूंगा। मैं इंदिरा के जज्बे सा फौलाद रहूंगा, आबाद था आबाद हूँ आबाद रहूंगा। मैं हिंद के हर शख्स की चाहत का सिला हूँ, मैं लाल किला हूँ, मैं लाल किला हूँ। सिमट के आएगा हर रवायत से हट के आएगा, आंधियों को जरा खबर कर दो। मैं कहना तो नफरत ही चिंटू चाह रहा था, लेकिन आंधी कह रहा कि आंधियों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट के आएगा, शेर वापस पलट के आएगा।